नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं YouTube का टेक्नोलॉजी चैनल टेक केयर हिमांशु। दोस्तों इस चैनल को पर हम टेक्नोलॉजी और साइंस की बातें करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ फटाफट अभी के अभी शेयर करके बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिनके पास चाइना वाले फ़ोन हैं वो क्या करें आखिर, क्योंकि अभी ये सेंटिमेंट चल रहा है पूरे इंडिया में कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले बात आप ये समझिए कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ क्यों नहीं करना है। अभी काफ़ी लोग जो है सेंटिमेंट ऐसा बना हुआ है कि चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन को लोग नहीं खरीद रहे हैं, इस तरह की बातें भी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले मनु कुमार जैन जो शाओमी के इंडिया के हेड हैं, उन्होंने एक वीडियो बना करके बताया कि किस तरह से एमआई के फ़ोन, शाओमी के फ़ोन इंडिया में बन रहे हैं, इंडिया के लोगों को रोज़गार मिल रहा है और हम सब चीज़ चेक करके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब चीज़ों को चेक करके हम ही इंडियन मार्केट में लॉन्च करें, तो इस तरह की बातें भी चल रही है उल्टे साइड में। और दूसरे साइड में ऐसा भी सेंटिमेंट बना हुआ है कि इनके प्रोडक्ट को नहीं खरीदना, नॉट ओनली शाओमी, वीवो, ओप्पो, जो भी चाइना के फ़ोन हैं, स्मार्टफोन से उनको नहीं खरीदना, इस तरह का सेंटिमेंट बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, हम और आप मिलकर के डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि आखिर क्या है मुद्दा, हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे पास पहले से चाइना के फ़ोन है, शाओमी के फ़ोन है, वीवो के फ़ोन है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात हम ये समझ लेते हैं कि हम चाइना के प्रोडक्ट या स्मार्टफोन क्यों नहीं खरीद रहे हैं। दो चीजें हो जाती है, सबसे पहली बात कि हमें चाइना के पास अपना भारत का पैसा नहीं देना है। हम जो भी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो खरीदते हैं उसका कुछ ना कुछ पार्ट 10% 20% जो है ये चाइना में जाता है, ठीक है। अगर चाइनीज़ कंपनी है भले उसका 1% भी क्यों ना शेयर हो, लेकिन कुछ पैसा तो जाता ही है ना चाइना में, क्योंकि पूरा का पूरा है तो इंडिया में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये एक मुद्दा है कि हम नहीं चाहते हैं कि चाइना में हमारे पैसे जाएं, उन पैसों का फिर से गोला बारूद आए और हमारे ही आर्मी पे, हमारे ही सैनिकों पे उसका इस्तेमाल हो या फिर हमारे नागरिक पे इस्तेमाल हो कल हो करके, ठीक है। तो ये सबसे पहला मैटर है। दूसरा मैटर है ट्रैकिंग वाला, कि ये जो चाइनीज़ के जो ऐप है, चाइना के जो ऐप है, मोबाइल फ़ोन है, हम इंडियन यूजर्स को ट्रैक करते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आया था इंटरनेशनल मीडिया में, न्यूज़ में भी आया था कि ये टिकटॉक वगैरह जो है ये आपके फ़ोन में क्या टाइप हो रहा है इसको भी रिकॉर्ड करते हैं, रिमोट एसेसिंग की पावर रखते हैं, आपके फ़ोन को रिमोटली वो दूर से बैठे ही पूरा का पूरा हैंडल किया जा सकता है। आपका जीपीएस का लोकेशन, यानी कि आप कहाँ मूव कर रहे हो, कहाँ रहते हो, एकदम पिन पॉइंट के साथ आपको डिटेक्ट होता है और डेटा को भेजा जाता है, इस तरह की बात हो रही है। नॉट ओनली टिकटॉक, बहुत सारी इस तरह से चाइनीज़ ऐप है जो कि गवर्नमेंट ने बैन किए हैं, 59 ऐप जो अभी बैन किया है, उसका मेन पर्पज़ यही है कि ये मास लेवल पे स्पाइंग कर रहे हैं। स्पाइंग मतलब जासूसी कर रहे हैं हम सभी भारतीय नागरिकों की। आपको लगता होगा कि आपके पास तो एक ऐप है, आपसे क्या होगा, आप थोड़ी ना करोड़पति आदमी हो, आपका क्या वो ले लेंगे, उनको पता भी चल गया कि आप कहाँ रहते हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जब पूरे वर्ल्ड में मास लेवल पे जब ये होता है तो बहुत बड़ा सीन बनता है। बिग डेटा प्रोसेसिंग वगैरह का आपने नाम सुना होगा, तो उसको प्रोसेस करके पूरा का पूरा इंडिया का मैप में देखा जा सकता है कि कहाँ पे कौन यूज़र है और किस तरह से वो मूव होते हैं, कहाँ कौन जाता है, कौन कब इतने बजे उठता है, कौन कब बैठता है, तो ये चीज़ें होती है। तो ये दो पॉइंट है, इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक ये है कि जिनके पास पहले से चाइनीज़ फ़ोन है उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात जो मैंने बता दी कि हमारा पैसा वहाँ नहीं जाना है। दूसरी बात ट्रैकिंग वाली बात कि ट्रैक हो सकते हैं, फिलहाल तो ऐप वगैरह बैन कर दिए गए हैं जिनके ऊपर डाउट था ट्रैकिंग का, फिर भी आप इनके पूरे इन्फ्लुएंस से नहीं बच सकते हो। अगर आप चाइनीज़ फ़ोन यूज कर रहे हो, उनका OS यूज कर रहे हो, उसमें यूजर इंटरफेस चाइना का है, तो आप पूरी तरह से नहीं बच सकते हो, क्योंकि ये कोड ही इस तरह से लिखा जाता है। अगर जब तक आप पूरा का पूरा हार्डवेयर रीसेट करके दूसरा OS ना डालें तब तक, ठीक है, और दूसरा OS जो डालोगे वो कितना सिक्योर, उसकी क्या गारंटी है, तो इस तरह की बातें हैं। तो सबसे पहले बात की, देखिए अगर आपके पास है, आपने पैसे लगा दिए हैं, तो अब लगा दिए हैं, वो पैसे तो चले गए खैर उनके पास,
ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप देखिए दो तरह की बातें, एक कट्टरवाद वाला बात है कि मैं खरीदूंगा ही नहीं चाइना का फ़ोन, दूसरा एक बात होता है कि चलो भाई इंडिया में बनता है, खरीद भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, इंडियन लोगों को रोज़गार मिल रही है, इस तरह की बातें होती है, इंडिया में भी उसका पैसा का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि 80% इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है, 20% चाइना जा रहा है, तो चलो चलता है उतना, क्या कर सकते हैं, तो इस तरह की बात है। तो एक कट्टरवाद वाला है, एक नॉर्मल यूज़र की तरफ से अगर आप सोचोगे कि ठीक है लिया भी तो क्या यार, अपने लोगों को अभी तो रोज़गार सोचना है ना हमें इंडिया के बारे में भी, तो इस तरह की बात है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन से लाइन में हो, कौन से कैटेगरी में हो। आप कट्टरवाद हो, एकदम कट्टरवाद कि नहीं मुझे लेना ही नहीं है, एक रुपया भी चाइना को नहीं देना है, तब तो आपको हर चीज़ में करना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है, घर की लाइटिंग, वो जो LED लाइट रहता है, वो जो हम गणपति में डेकोरेशन करते हैं, घर को सजाते हैं, एक एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, योगा जो योगा मैट जो आप बैठ के जिसके ऊपर मैं योगा करते हो वो भी चाइना का है। तो आपको अगर इस तरह से एकदम कट्टरवाद हो, अगर आप एक रुपये भी नहीं देना चाहते हो, और सच में नहीं देना चाहिए अगर देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, तो आपको थोड़ा सा डट के रहना पड़ेगा, आपको हर चीज़ में इस तरह से करना पड़ेगा, नॉट ओनली इन मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप, ठीक है, हर चीज़ों में इस तरह का आपका एटीट्यूड रखना पड़ेगा, आपके दोस्तों को बताना होगा कि आप इस तरह से करें, इस तरह की बात है, ठीक है। और अगर आपके पास है, देखिए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो 10-15 हज़ार का मोबाइल फ़ोन तुरंत इसको चालू मोबाइल अच्छा खासा मोबाइल को फेंक दे और नया मोबाइल खरीद ले, सैमसंग ने तो LG ने तो मोटरोला ने तो एप्पल का फ़ोन खरीद ले, इतना ईजी नहीं होता है हर किसी के लिए 15-20 हज़ार रुपये लगाना, ठीक है। तो अगर आपके पास है भी तो मैं कहूँगा कि आप उसको पूरी तरह से सिक्योर करें। सिक्योर कैसे करोगे, देखिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन किया है उसको गलती से भी इस्तेमाल मत कीजिए, चोरी छुपे भी इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, ठीक है। कल हो के अगर कुछ हुआ, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए, तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे कि इस ऐप के थ्रू हुआ था, उनको पता चल जाएगा, फॉरेंसिक जांच में पता चल जाता है कि किस ऐप के थ्रू डेटा वगैरह रिकॉर्ड हुआ था इस तरह से, बट वो आपको हैंडल नहीं करेंगे, आपको बताया गया है पहले ही कि आप इन ऐप को निकाल दीजिए, तो इस तरह की बात है। दूसरी बात जो है कि अगर जो ऐप आपके पास हैं पहले से जो कि कंपनी की तरफ से इंस्टॉल होकर आए हैं, उसको आप निकाल नहीं पाते हो, ठीक है, उसको अगर निकालने जाओगे तो निकलता नहीं है, वो डिलीट नहीं होता, अनइंस्टॉल नहीं होता है, तो उस केस में आप जाइए सेटिंग्स में, जाइए ऐप्स में, जाइए ऐप्स परमिशंस में, जाइए उसके सभी परमिशन को बंद कर दीजिए, ठीक है। वो कैमरा का आपका परमिशन मांगेगा, आपका मोबाइल फ़ोन के कैमरा को हैंडल करने का, GPS का, ये सब चीज़ें, कॉल रिकॉर्ड करने का, कॉल का फंक्शन परमिशन मांगेगा, सभी परमिशन को सबसे पहले तो आप बंद कर दीजिए उस ऐप परमिशन में, आपके मोबाइल में होगा, सेटिंग में जाइए, परमिशन में जाइए, ऐप परमिशन में जाइए, वहाँ पर जाकर के बंद कर दीजिए, सभी के सभी परमिशन बंद कर दीजिए। क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि आप उसको डिलीट नहीं कर पा रहे हो, आप डिलीट करना चाहते हो लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसको जाकर के फोर्स स्टॉप कर करके उसको किल कर दीजिए, और उसको हमेशा के लिए वहाँ से ऐप सेटिंग में जाकर के उसको बैन कर दीजिए, यानी वो होगा भी रहेगा भी तो भी आपके फ़ोन में वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर आपके पास चाइनीज़ फ़ोन है, उसका यूजर इंटरफेस यूज कर रहे हो, UI यूज कर रहे हो, तो बहुत हद तक 90% आप सेफ हो जाओगे, लेकिन कम से कम 10% फिर भी आपको ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि यूजर इंटरफेस उनका है, फ़ोन उनका है। देखिए कोशिश कीजिए साल भर के बाद, 2 साल के बाद, देखिए जो खरीदा है उसका तो पैसा गया, ठीक है, अब नया ना लें, ऐसा कोशिश कीजिए अगर आप कट्टरवाद हो तो। अगर आप नॉर्मल यूजर हो, एक आम आदमी की तरह सोचते हो कि चलो भाई कुछ पैसा भारत में भी रहता है, इंडिया के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो आप उन फ़ोन को लीजिए जो कि मेड इन इंडिया में हैं, जो डायरेक्ट इम्पोर्ट हुए हैं चाइना से, उनको एटलीस्ट मत लीजिए जिसमें चाइनीज़ में लिखे हुए हैं, इस तरह से डायरेक्ट इम्पोर्ट जो हो रहा है उन फ़ोन को तो मत लीजिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, मैं पूरा का पूरा आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कौन से कैटेगरी में हो, पूरा का पूरा कट्टरवाद में हो कि एक नॉर्मल आप सोचते हो आम हिंदुस्तानी की तरह, तो आप डिसाइड कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में। सबसे पहले जो ऐप आपके फ़ोन से नहीं निकल रहे उनको तो निकाल फेंकिए, उनके परमिशंस को बंद कर दीजिए तुरंत, अभी के अभी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, गवर्नमेंट अगर कोई ऐप को बैन करता है तो ये इतना ईजी नहीं है कि बस चाइना का है इसलिए बैन कर दिया, नहीं भैया, चाइना का इसीलिए नहीं बंद कर दिया, उसमें बहुत सारे फ्लॉज है, सिक्योरिटीज़ रीजंस है बंद करने के पीछे, ठीक है, देश खतरे में है इसीलिए बंद किया है, समझो आप बात को, ठीक है, देश खतरे में, स्पाइंग की जरिए आपके ऊपर नज़र रखा जा रहा है, पूरे देश के ऊपर नज़र रखा जा रहा है, समझ रहे हो आप,
तो इस तरह की बातें हैं। मुझे बताइए अपना सुझाव कमेंट में कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। ये जो मेरी अपनी ओपिनियन थी मैंने आपको बताई, अभी आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे कुछ बताएं। इस वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों को बताएं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, वीडियोज बनाते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मिलते हैं नए साइंस और टेक्नोलॉजी के वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।